बम बम बोले, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आए भोलेनाथ के धाम में महादेव के आशीर्वाद लेने सोमनाथ मंदिर में। दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा आपके मोबाइल के लिए लॉकर रूम और आपके सामान के लिए अलग से लगेज रूम की सुविधा है जो कि निःशुल्क है। आप अपना सामान और मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों हमने मंदिर में महादेव के दर्शन तो कर लिए है पर मंदिर में मोबाइल और अपना सामान अलाउ नहीं है तो हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। अब हम सोमनाथ के कुछ और जगह के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो में बने रहिए। दोस्तों यहाँ सोमनाथ में ट्रस्ट के द्वारा एक सिटी बस का आयोजन किया गया है जो कि दिन में दो बार सुबह 9 बजे और दोपहर के 2:30 बजे यहाँ के कुछ आसपास के मंदिरों के दर्शन करवाती है, वो भी केवल 30 रुपये में, जिसमें राम मंदिर, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर, बाणगंगा, उसके पास गणेश जी का मंदिर और अंत में भालका तीर्थ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को शिकारी ने तीर मारा था। आपको इस तरह की टिकट मिलेगी। दोस्तों आगे की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में बने रहिए। ये है राम मंदिर जो कि सोमनाथ से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे राम मंदिर है और बाजू में परशुराम जी का मंदिर है उसके जस्ट बाजू में। दोस्तों ये है गीता मंदिर जिसे 1970 में बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और पवित्र भागवत गीता के लिए मशहूर है। इस मंदिर में 18 स्तंभ है और हर स्तंभ पे गीता का एक अध्याय लिखा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपना देह त्याग किया था और यहाँ पे उनकी समाधि भी है। दोस्तों ये है श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर जो कि गीता मंदिर के पास है। कहा जाता है कि भगवान बलराम जी ने यहीं से वैकुंठ धाम के लिए प्रयाण किया था। ये है श्री कृष्ण भगवान का समाधि स्थल जहाँ पे उनकी अंतिम विधि की गई थी। ये जो व्हाइट बस देख रहे हो इसी बस में यहाँ पे आजू बाजू के मंदिरों का दर्शन करवाया जाता है। दोस्तों इस जगह को बाणगंगा कहते हैं जो कि सोमनाथ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप अपने पूर्व दिशा की ओर देखोगे तो आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ पे 2 शिवलिंग हैं जिसका अभिषेक दरिया की लहरें करती है। कहा जाता है कि यहाँ पे खड़े होकर ही शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर तीर चलाया था और वो जगह पर यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये है गणेश जी का मंदिर जो कि बाणगंगा के पास आया हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पे गणेश जी का मुख विपरीत दिशा में है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे आज के लास्ट मंदिर भालका तीर्थ में। ये है बड़ा शिव मंदिर और ये है उसका प्रवेश द्वार। दोस्तों यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि सतयुग में जब राम ने बाली का छल से वध किया था तब उन्होंने बाली को यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में जब मैं धरती पर अपना नया अवतार लूँगा तब मेरी भी मृत्यु ऐसे ही छल से तुम्हारे द्वारा होगी। तो अगले जन्म में भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था और बाली ने जरा नाम के शिकारी का। जब श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे तब जरा नाम के शिकारी को भगवान श्री कृष्ण पर के पद चिन्हों से हिरण का एहसास हुआ तो उसने शिकार करने के लिए हेतु से भगवान पर बाण चलाया। जब शिकारी को पता चला कि उसने तीर भगवान को लगा है तो उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी। दोस्तों आप ये जो पेड़ देख रहे हो ये वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे और शिकारी ने उनको तीर मारा था। उसके बाद भगवान भालका तीर्थ से गीता मंदिर की ओर प्रयाण किया जो कि हमने आपको आगे बताया था और वहाँ पे जाके अपना देह त्याग किया।
दोस्तों अब हम यहाँ से घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।